कश्तियां सबकी किनारे तो पहुंच जाती हैं, ना खुदा जिसका नहीं उसका खुदा होता है। तुम्हारे और मेरे बीच जो भी आ जाए उसे मैं खत्म कर दूंगा। Oh,
हेलो रॉबर्ट, रमेश आ रहा है। क्या रमेश आ रहा है? लेकिन उसे खबर किसने दी? अच्छा देखो, तुम ऐसा करो, किसी तरह रमेश के पीछे पुलिस को लगा दो। आप लोगों ने अपना प्यारा दोस्त रमेश आ रहा है। लेकिन रमेश के पीछे पुलिस लगाने का क्या मतलब है? आप जा सकते हैं। सुनो, पुलिस आ रही है, ख्याल रखना। रमेश आ रहा है। रमेश आ रहा है। रमेश, मेरे दोस्त। जगदीप, तुमने मेरी जिंदगी आजाद बना रखी है। मैंने? रमेश, तुम भूलते हो मैंने कुछ नहीं किया है। मैं तो तुम्हारा... तुमने क्या किया है मैं सब जान चुका हूं। जगदीप, जगदीप, तुम इस कदर गिर सकते हो ये मैं सोच भी नहीं सकता था। तुम मुझसे लता को छीनना चाहते हो? मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। अगर तुम मेरे और लता के दरमियान आने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे? तुमको जिंदा रहना सिखाया ये भूल हुई। ठीक है, अगर तुम मेरे एहसानों का बदला इसी तरह चुकाना चाहते हो तो आओ, किसी ना किसी के खून से हिसाब बराबर हो जाएगा। आगे। 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 आगे।
किया उस पर रहम खाइए, मुझ पर तरस कीजिए। मैं रमेश नहीं हूं, रमेश नहीं हूं, रमेश नहीं हूं। प्रोसिक्यूशन अपने गवाह पेश करें। मैं खुदा को हार में नादर जाकर कहता हूं कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा। आपका नाम? सब इंस्पेक्टर फारूकी। आप इस मुजरिम के बारे में क्या जानते हैं? यही रमेश, यही जगदीश और यही दीपक है। मैं इसे तीनों नामों से जानता हूं। सब इंस्पेक्टर फारूकी, आप यकीन के साथ कह सकते हैं कि जिस कातिल को आपने कत्ल करते देखा और फिर जिसका पीछा करके गिरफ्तार किया, क्या वो यही शख्स है? जी हाँ, मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ, यही वो शख्स है। आप एक बार फिर सोच लीजिए फारूकी साहब, क्या इस चेहरे का वही नाम है जो आप कह रहे हैं? जी हाँ, इस चेहरे को मैं ऐसे ही जानता हूँ जैसे अपने चेहरे को। मैं नाम के बारे में पूछ रहा हूँ। मैं नाम के बारे में अर्ज कर चुका हूँ। फारूकी साहब, कातिल का पीछा करने के दौरान और उसके गिरफ्तार होने से पहले कुछ देर आपकी नजरों से वो गायब था? जी हाँ, 15 या 20 मिनट। गायब होने से पहले वो क्या पहने था? सूट पहने हुए था। और जब गिरफ्तार हुआ तो वो क्या पहने हुआ था? जी, अचकन, कुर्ता, पायजामा वगैरह वगैरह। अचकन, पायजामा, कुर्ता वगैरह वगैरह। आप चाहे तो सूट उतारने के बाद, उसको छुपाने के बाद, आप कितनी देर में पहन सकेंगे उसे? वकील साहब, मैं तो 8 घंटा भी लगा सकता हूँ, लेकिन चालाक मुजरिम तो मिनटों में अपना लिबास तो एक तरफ, चेहरा भी बदल लेते हैं। आपने उस लिबास की तलाश की जो मुलजिम कत्ल के वक्त पहने हुए था? तलाश की? अगर मिल जाता तो मैं उसे अपने लिए नहीं रखता, अदालत में पेश कर देता। कत्ल की आंखों देखी शहादत के बाद अब मैं मुलजिम की मुख्तलिफ शख्सियतों में मुख्तलिफ लड़कियों को धोखा देने के बारे में शहादत पेश करना चाहता हूँ। योर आनर, सबसे पहले मैं उस लड़की को पेश करना चाहता हूँ जिसे मुलजिम खुद अपनी बीवी मानता है। रेखा देवी चूंकि इस मुकदमे की अहम गवाह है, इसलिए मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि उसको तलब करने का हुक्म दिया जाए। रेखा? नहीं। मिस्टर मनोहर, क्या आपको कोई एतराज है? एतराज नहीं योर आनर, दरखास्त। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर एक छोटी सी दरखास्त। उस बेचारी का अभी तक यह भी मालूम नहीं उसका शौहर कत्ल के सिलसिले में पकड़ा जा चुका है। उस बेचारी को तो और भी बहुत सी बातें मालूम नहीं है मेरे लायक दोस्त।
उसको तो ये तक नहीं मालूम कि उसका शौहर एक ही वक्त में कई और लड़कियों का भी शौहर है। ये खबर उसके लिए एक सदमे से कम नहीं होगी योर ऑनर। वो बेचारी अदालत से, जिरा से, तफ्तीश से, हवाला से, जुर्म और कत्ल की दुनिया से बहुत दूर, अपने दुखों से बेखबर, अपने मासूम बच्चों के साथ अपने शौहर का इंतजार कर रही होगी। तू ही मेरी जिंदगी, तू ही अरमान, तेरी मुस्कान पे सटक मेरी जान, मेरे लाडले, ओ मेरे लाडले, ओ मेरे लाडले, तू ही मेरी जिंदगी, तू ही अरमान, तेरी मुस्कान पे सटक मेरी जाने कितनी मासूम लड़कियों को उसने अपने मोहब्बत के जाल में फंसा रखा था। यही तो मैं कह रहा हूं उस्ताद, कहीं रमेश को आपने तो जाल में नहीं फंसाया। जाने मैं कत्ल कर सकता हूं लेकिन कभी किसी को कत्ल के जुर्म में नहीं फंसाऊंगा। यही तो मैं कह रहा हूं उस्ताद। जॉनी, इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि औरत से खबरदार रहा कर। यही तो मैं कह रहा हूं उस्ताद, कितनी सारी औरतें हैं, किस किस से बचूं? सबसे। तुमने रमेश का अंजाम नहीं देखा? उसको फंसाने वाली भी औरत है, और औरत का नाम लीली हो सकता है, रेखा हो सकता है, लता हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, दुनिया की कोई भी औरत हो सकती है। औरत माँ भी हो सकती है, बहन भी, बेटी भी। एक औरत की भूल की सजा आप दुनिया की तमाम औरतों को नहीं दे सकते। औरत ने हमेशा मर्द के लिए अपने आप को कुर्बान किया। किया होगा, किया होगा, मैं इस बारे में बहस नहीं करना चाहता।
देखो जॉनी, तुम मुझे ये बताओ कि ये रेखा कौन है और कहाँ रहती है, समझे? ओके। ठीक तो मैं कहता हूँ कि मासूम रेखा कौन है? इन्हें धोखा नहीं दिया, कोई धोखा नहीं दिया। मुझे कुछ मालूम नहीं कि इनका नाम रमेश, जगदीश और कुछ है, और न मुझे ये मालूम करने की जरूरत है। इनका नाम दीपक है, ये मेरे पति है, और मैं इन्हें इंसान नहीं देवता समझती हूँ। देखिए श्रीमती रेखा देवी, जरा आराम से बताइए, इतने भड़कने की क्या जरूरत है? आप मिस्टर मनोहर वकील मुल्जिम की बहन हैं। मैं एक गवाह का भाई हूं, ये सारी दुनिया जानती है। मैं अदालत के रिकॉर्ड में लाना चाहता हूं कि आप मुल्जिम के साले हैं। ये बात रिकॉर्ड में है, रसीद। आपकी शादी कब हुई रेखा देवी? मुझे याद नहीं। तारीख में सही अंदाजे से ही बताइए, कितने साल, कितने महीने, कितने दिन हुए आपकी शादी को? मैं बता नहीं सकती। आपको बताना ही पड़ेगा रेखा देवी। मुझसे मत पूछिए, मैं कुछ बताने नहीं चाहती। योर ऑनर, गवाह को हिदायत की जाए कि वो मेरे सवालों का ठीक ठीक जवाब दे। मिस्टर गंगासरन, ये आपका ही गवाह है। योर ऑनर, अदालत ने नोट फरमाया होगा कि गवाह जानबूझकर मेरे सवालों का जवाब देने से बच रहा है, इसलिए मैं इसे होस्टाइल करार देकर इस पर जिरह करना चाहता हूँ। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मैं अपने मुवक्किल के हक की हिफाजत के लिए कहने पर मजबूर हूँ कि वकील सरकार अपने ही गवाह पर जिरह नहीं कर सकते। योर ऑनर, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट की रूह से मुझे अपने गवाह पर भी जिरह का हक हासिल है, जिसकी ताईद में मैं सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग पेश करता हूँ। प्रोसिक्यूशन को क्रॉस एग्जामिनेशन की इजाजत दी जाती है। थैंक यू योर ऑनर। हाँ तो रेखा देवी, आपको इस शहर में आए हुए कितने दिन हुए? 8 महीने। आपकी शादी इसी शहर में हुई? जी। आपके कोई बच्चा भी है? ये आपके बच्चे की पैदाइश का सर्टिफिकेट है, जिससे साबित होता है कि आपको एक बच्चा पैदा हुआ, और इस सर्टिफिकेट की रूप से आज उस बच्चे की उम्र 6 महीने और 3 दिन है। क्या ये बात सही है? सही है। यानी बच्चा आपकी शादी के 3 महीने के बाद पैदा हुआ। आपकी शादी में कौन कौन शरीक था? मेरे भाई मनोहर लाल के सिवा कोई नहीं था। ये शादी इतनी चोरी छुपे क्यों हुई? जी, बहुत सीधा सा सवाल है। हालात ही ऐसे थे। क्या हालात थे रेखा देवी? मैं बता नहीं सकती। मैं बताता हूं, आप शादी से पहले पतिता थी। योर ऑनर, वकील सरकार को किसी की प्राइवेट जिंदगी के बारे में इस किस्म के रिमार्क करने का कोई हक नहीं, और इस सवाल का इस मुकदमे से दूर का ताल्लुक भी नहीं है। इसलिए भरी अदालत में वकील सरकार किसी शरीफ लड़की के किरदार पर कीचड़ उछालने से परहेज करें। क्योंकि रेखा देवी की प्राइवेट जिंदगी के इस हिस्से का मुल्जिम की प्राइवेट जिंदगी से ताल्लुक है योर ऑनर, इसलिए मुझे इन सवालात का कानूनन हक है, वरना मेरा मकसद हरगिज किसी का दिल दुखाना नहीं। प्रोसिक्यूशन को इन सवालात की इजाजत दी जाती है। रेखा देवी, बहुत सी बातें आप अपने मुंह से नहीं कहेंगी, मैं कह देता हूं। आप शादी से पहले मां बनने वाली थी, इसलिए आपके भाई ने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि दीपक कौन है, क्या करता है, कहां से आया है, उसका बीता हुआ जीवन क्या है। आपकी शादी उसके साथ कर दी ताकि आप बदनामी से बच जाए। मैंने कोई पाप नहीं किया था, मैं मजबूर थी। क्या मजबूरी थी आपकी? औरत होना सबसे बड़ी मजबूरी है औरत की। जज्बाती बनने से कोई फायदा नहीं रेखा देवी, अदालत के सामने मुख्तसर लफ्जों में अपनी मजबूरी बता दीजिए। अगर आप ठीक ठीक बता देंगी तो हो सकता है कि इसमें आप ही का फायदा हो। बताइए वो क्या हालात थे। मैं अपने चाचा के साथ कलकत्ते में रहती थी। 8 महीने की बात है, मैं बंबई आई। स्टेशन पर मेरे भाई की बजाय
ये मुझे लेने आए थे और इन्हीं के साथ मैं मनोहर भाई के घर पर आई। मैं भी यही रहता हूँ, सिर्फ एक दीवार है बीच में। देखिए, मनोहर ने आपकी तस्वीर देकर कहा था कि आपको घर पहुंचा दूं, नीचे पहुंचा दिया। शुक्रिया, मगर एक बात। हाँ, अगर आपको भूख लगी हो तो मुझसे कुछ ना कहिएगा, क्योंकि मैं खाने और खिलाने के मामले में बिल्कुल मजबूर हूँ। खिलाने के मामले में तो आप मजबूर होंगे, मगर खाने के मामले में आपकी सेहत कुछ और ही लगती है। सेहत तो दिखाने के लिए रखी है, आदमी ऊपर कुछ और होता है और अंदर कुछ और। देखिए ना, मैं भी मनोहर बाबू की तरह बिल्कुल अकेला हूँ। अकेले आदमी का क्या है, कभी खाया कभी नहीं खाया, जिंदगी तो किसी तरह गुजर ही जाती है। ये शायरी नहीं करते, शायरी को चार चांद लगाते हैं अपनी सुरीली आवाज से। कहो रेखा, सफर कैसे रहा, कोई तकलीफ तो नहीं थी? नहीं भैया, सफर तो अच्छा रहा है, पर यहाँ बहुत आराम से पहुंची। अच्छा। बेचारे दीपक बाबू अकेले ही मेरा सारा बोझ उठा कर ले आए। ये कह रही थी कि बहुत भारी है, ये बोझ तो जिंदगी भर उठा सकता हूँ। देखा दीपक, एक रेखा के आने से ये घर घर लग रहा है और घर गृहस्थी का चक्कर भी लग गया है। आप ये गाउन उतारिए और जाकर के कोई थैली थैले लेकर सीधे चले जाइए नमक आटा दाल वगैरह वगैरह लाने के लिए। रेखा देवी को भूख लग रही है। अरे यार, जब इतना कर दिया तुमने तब ये काम भी तुम्हें संभालो, मैं तो थक गया। रेखा तुम जाओ, कपड़े बदल लो। अच्छा अमा वकील साहब, बात तो सुनिए, कुछ पैसे तो देते जाइए, यहाँ तो अपनी जेब खाली है अपनी दिल। आज तो कोर्ट में किसी ने फीस ही नहीं पे किया। आप देखिए ना, मैं बिल्कुल अकेला हूँ ना। माफ कीजिए, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। कोई बात नहीं, बैठिए। एक तकलीफ लेने आई। फरमाइए। मैं कभी कभी शेर कह लिया करती हूँ। जी हाँ, मुझे पहले ही शक था। शेर क्या है, यू समझिए कुछ टूटे फूटे शब्द है जिन्हें आवाज की जरूरत है। अगर आपको पसंद आ जाए तो अपने किसी रेडियो प्रोग्राम में गा दीजिएगा। एक वो भी हैं जिनको मुरादें मिली, एक मैं हूं कि किस्मत ने लूटा मुझे। क्या मैं पूछ सकता हूं कि? पूछिए। शायरी तो दिल से निकलती है और दिल में उतर जाती है। बला का दर्द है आपकी इस गजल में, ये दर्द कहां से आया, कैसे आया? दीपक बाबू, दर्द सब पराए होते हैं, कभी दूसरों के दिए हुए, कभी दूसरों से लिए हुए। यूं समझिए ये दर्द मुझे दुनिया ने दिए और मैं आपको दे रही बाबू से एक गीत सुनिए। लेखिका है रेखा देवी। एक वो भी है जिनको मुरादें मिली, एक मैं हूँ कि किस्मत ने लूटा मुझे। एक वो भी है जिनको मुरादें मिली, एक मैं हूँ कि किस्मत ने लूटा मुझे। कारवां है जहाँ और न मंजिल कोई, ऐसी राहों पे अब लाके छोड़ा मुझे। एक मैं हूँ कि किस्मत ने लूटा मुझे। एक वो
कसम ऐ जमाने बता दे तू ये कम से कम मेरी बर्बादी ये दिल की तुझको कसम ऐ जमाने बता दे तू ये कम से कम मौत की आरज़ू का सहारा लिए कितने दिन और जीना पड़ेगा मुझे कितने दिन और जीना पड़ेगा मुझे एक महीने के किस्मत ने लूटा मुझे एक वो भी है जिनको मुरादें मिली एक महीने के किस्मत ने लूटा मुझे करूं और मैं हूं के इस डर से खामोश हूं दिल तो कहता है दुनिया से शिकवा करूं और मैं हूं के इस डर से खामोश हूं लब पे आई हुई मेरी फरियाद ही करना दे सारी दुनिया में रुसवा मुझे करना दे सारी दुनिया में रुसवा मुझे एक मैं हूँ के किस्मत ने लूटा मुझे एक वो भी है जिनको मुरादें मिली एक मैं हूँ के किस्मत ने लूटा मुझे कीमत नहीं कोई पत्थर को चुन ले ये किस्मत नहीं मैं वो मोती हूँ जिसकी ये कीमत नहीं कोई पत्थर को चुन ले ये किस्मत नहीं झूठी उम्मीद रखने से क्या फायदा अब न भटका फरेबे तमन्ना मुझे अब न भटका फरेबे तमन्ना मुझे एक मैं ही के किस्मत ने लूटा मुझे एक वो भी है जिनको मुरादें मिली एक मैं ही के किस्मत ने लूटा मुझे कारवां है जहां और न मंजिल कोई ऐसी राहों पे अब लाके छोड़ा मुझे एक मैं के किस्मत ने लूटा मुझे एक मैं के किस्मत ने लूटा मुझे मैं जानता हूँ तुम्हारी मजबूरियाँ क्या है यही ना रेडियो या म्यूजिक प्रोग्राम से तुम्हें बहुत कम आमदनी होती है लेकिन मुझे यकीन है एक दिन तुम बहुत बड़े कलाकार बनने वाले हो जिसके पास दौलत भी होगी शोहरत भी होगी कल क्या होगा कौन जानता है मैं जानता हूँ फिर भी तुम मुझे दौलत या शोहरत की वजह से नहीं शराफत और इंसानियत की वजह से पसंद हो मैं चाहता हूँ तुम रेखा का हाथ थाम लो पहले उनसे तो पूछ लो जिनका हाथ थामना है मैं दावे से कहता हूँ वो इनकार नहीं कर सकती मैंने कहा ना मैं बता नहीं सकती भगवान के लिए आप मुझसे मत पूछिए मेरी शादी नहीं हो सकती जिंदगी भर मैं शादी नहीं कर सकती ये मेरे नसीब में नहीं है रेखा तुम्हें पता नहीं होगा क्या बात है मैंने दीपक से वादा कर लिया दावे के साथ कह दिया उसके अब मैं जिंदगी भर उससे आंख नहीं मिला सकूंगा क्या जवाब दूंगा उसे जवाब दे दीजिए मैं उनके लायक नहीं हूँ मैं उनके पांव के धूल के बराबर नहीं हूँ मैं मां बनने वाली हूँ देखो ये तुमने क्या किया ये
तुमने क्या कह दिया? तुम मां बनने वाली हो? नहीं नहीं रेखा, मुझे यकीन नहीं आता। रेखा कह दो तुमने झूठ कहा, कह दो तुम ये कहना नहीं चाहती थी, कह दो तुम मां नहीं बनने वाली। नहीं भैया नहीं, क्या सच कह रही हो? सोचो तुम क्या कह रही हो। इतनी बड़ी भूल, इतना बड़ा गुनाह। नहीं नहीं रेखा, तुमने मेरी जिम्मेदारी का भी ख्याल नहीं किया। अब मैं दुनिया और समाज को कैसे मुंह दिखाऊं? आखिर आखिर कौन सी मजबूरी थी, क्या कारण था? तुमने किसी की भी परवाह नहीं की। तुमने ये भी नहीं सोचा बिन ब्याह की लड़की अगर मां बन जाए तो दुनिया क्या क्या सितम तोड़ती है, कैसी कैसी दिल तोड़। देखा तुमने कुछ तो सोचा होगा। भैया नहीं भैया, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। तुम्हें किसी ने धोखा दिया? किसने धोखा दिया तुम्हें, पता हो कौन है? मैं उसका गरेबान पकड़ूंगा, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे जान से मारूंगा। किसे मारोगे भैया, जिसका कोई पता नहीं, जिसका कोई नाम नहीं, जिसे मैंने देखा भी नहीं। रेखा मैं पागल हो जाऊंगा, पता हो भगवान के लिए पता क्या बात। भैया मैं तुम्हारी कसम खाती हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया, भगवान की सौगंध पाप का ख्याल भी मेरे दिल में नहीं था। आपको तो मालूम है मैं बच्चों को पढ़ाने जाती थी, हर रोज की तरह उस रात भी मैं पढ़ाकर वापस आ रही थी। चारों तरफ अंधेरा था, अचानक उस अंधेरे में कुछ जालिम बेदरवेश गुंडे मुझ पर टूट पड़े और मुझे उठाकर ले गए। मैं निर्बल बेबस उन दरिंदों के हाथों में तड़पती भड़कती रह गई। ना मुझे भगवान बचाने आया, ना इंसान बचाने आया। ऐसी मिली कि किसी से जिक्र भी न कर सकूं। मैं अंदर अंदर घुट घुट कर मर रही हूं। अगर अब भी आप मुझे पापन समझते हैं तो मुझे मार डालो, मार डालो ताकि मेरी मम्मी मिल जाए। मार डालो भैया, मार डालो मुझे। तुम्हारी मौत ये दाग हो सकती है, ना मैं कुछ कर सकता हूँ, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ये ऐसी गुत्थी है जिसका कोई हल नहीं, न कोई रास्ता है, न कोई सूरत। ये कैसी जिल्लत का सामना है, अपने दीपक से क्या कहूं, क्या सोचेगा वो, अब आगे क्या होगा, इतनी लंबी जिंदगी कैसे गुजरेगी। अब कोई ये दुख नहीं मिटा सकता, अब कौन तुम्हारा हाथ थामेगा? मनोहर, मैं इनका हाथ थामूंगा। दीपक, नहीं नहीं दीपक बाबू, तुम अपने आप पर जुल्म मत करो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। तुम नहीं जानते। मैं जानता हूँ। तुम कुछ नहीं जानते। मैं नहीं मानती। मैं सब सुन चुका हूँ और यह सब सुनने के बाद मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत और ज्यादा बढ़ गई है। मनोहर, मैंने फैसला कर लिया है, मैं तुम्हारे सामने ही अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। देखा, राजा मेरा राजा बेटा, तेरी मुस्कान पी सत्य मेरी जान, तेरी मुस्कान पे सत्य मेरी जान। चलो हटो। बस इसी तरह मुस्कुराते हुए मुझे रुखसत कर देना। क्यों, कहाँ जा रहे हैं? कहा था ना किसी प्रोग्राम के लिए कलकत्ता जाना है। और मैंने कहा था ना कि कलकत्ता मत जाओ, कलकत्ते के नाम से मेरा दिल कांप जाता है, वहीं पर मेरी जिंदगी का सबसे मनहूस हादसा। पता नहीं मुझे ऐसा लगता है कि तुम कलकत्ता जा रहे हो तो फिर किसी मनुष्य खड़ी की परछाई मेरी तरफ बढ़ रही है, और आज तो मेरी दाई आंख भी फड़की। अरे ची 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 पगली कहीं की,
क्या मनुष्य खड़ी हो सकती है? क्या मैं वहाँ पर जाकर मर जाऊंगा? भगवान न करे। तो फिर और क्या हो सकता है? तुम ये तो नहीं समझ रही हो कि मैं वहाँ पर जाकर किसी प्रेमिका के चक्कर में पड़ जाऊंगा? क्या पता, आप कलाकार हैं और कला प्रेमिकाओं की कमी नहीं होती दुनिया में। मेरी तो सिर्फ दो ही प्रेमिकाएं हैं। दो? हाँ, एक तो तुम जो मेरी पत्नी बन गई, और एक वो जो हमेशा मेरी प्रेमिका ही रहेगी। कौन है वो? मेरी कला, मेरा संगीत। जाओ। इनके जाने के बाद मैं बहुत परेशान रही, मेरा दिल डरता रहा, और वही जिसका खौफ था मुझे, फिर एक बार मेरी जिंदगी पर नमूसत छा गई। काश ये उस मनहूस खड़ी में घर के बाहर ही न जाते। मैंने इन्हें जाने ही क्यों दिया, जाने ही क्यों दिया, जाने ही क्यों दिया। ये आप क्या गजब कर रहे हैं? खुद अपनी बेटी को कोर्ट में खींच रहे हैं? भरी अदालत में लता क्या आप कहलवाएंगे कि उसका एक खूनी से संबंध रहा है? तो क्या ये झूठ है? अगर ये सच भी है तो क्या कोई अपने घर की इज्जत को बाजार में इस तरह उछालता है? ये तो लता को सोचना चाहिए था। वो नादान है, बच्ची है। आप सोचिए, जब वो अदालत के कटहरे में आपके सामने खड़ी होगी तो आपका दिल नहीं दुखेगा? मैं तो जिंदगी भर उसकी सूरत देखना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूं, मजबूरी। मैं सरकार की तरफ से पैरवी कर रहा हूं, मुजरिम को सजा दिलाना मेरा फर्ज है, और बदकिस्मती से तुम्हारी बेटी उसके गुनाहों को साबित कर सकती है। तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी बेटी, तो क्या वो आपकी बेटी नहीं है? मेरे लिए वो उसी दिन मर गई जब मेरे मना करने के बावजूद रमेश से मिलने गई, और मैंने उसे घर से निकाल दिया। बाप के लिए जिंदा बेटी मर सकती है, लेकिन माँ के लिए नहीं। भगवान के लिए आप उसे अदालत में ना बुलवाइए। मैं अब इस मामले में और बहस करना नहीं चाहता। हुजूर। क्या है? सब इंस्पेक्टर फारूकी आए हैं। बुलाओ। बहुत अच्छा सर। तुम अब जाओ, मुझे सरकारी काम करना है। आप एक बार और सोच लीजिए, दूसरे वकील क्या क्या सवाल करेंगे। मैं सब कुछ सोच चुका हूँ, तुम अब जाओ मुझे काम करने। आइए। गुड इवनिंग सर। तशरीफ। कैसे तकलीफ फरमाई? मैं आपको याद दिलाने आया था, कल रमेश के केस की पेशी है। मुझे याद। माफ कीजिए, एक बात और पूछना चाहता हूँ। फरमाइए। आपकी साहबजादी कोर्ट में प्रोसिक्यूशन की गवाह बनकर आएंगी, तो कोई कानूनी पेचीदगी तो पैदा नहीं होगी? कानूनी पेचीदगी के बारे में आप कोई फिक्र न कीजिए। लता देवी के नाम समन से शुरू हो चुके हैं। जी हाँ। तो ठीक है, तो इजाजत है। बहुत अच्छा, कल कोर्ट में मुलाकात होगी। ओके सर। शुक्रिया। मैं बहुत दिनों से जानती हूँ। आपको मुल्जिम ने अपना नाम क्या बताया था? जी, रमेश। क्या ताल्लुक था आपका उससे? जी। कहिए, आप उससे प्यार करती थी? ऊंची आवाज में अदालत को बताइए कि आप मुल्जिम से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी। जी हाँ, मैं इनसे शादी करना चाहती थी। That's all, Your Honor. लता देवी, आप वकील सरकार की बेटी हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? गवाह वकील सरकार की बेटी है और इकलौती बेटी है। वकील सरकार बार काउंसिल की सीनियर मेंबर है, बरसों से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। लीगल प्रैक्टिशनर्स के रूल्स ऑफ कंडक्ट के बारे में वो काफी जानकारी रखते हैं। मैं पहले भी इतराज कर चुका हूँ योर ऑनर, वो अपने केस को साबित करने के लिए अपनी बेटी को पेश नहीं कर सकते। योर ऑनर, जैसा कि मेरे फाजिल दोस्त ने कहा, मैं अपने पेशे के ज़ाबिते अखलाक को अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने पूरी जिम्मेदारी के साथ इस गवाह को पेश किया है। इस वक्त इस गवाह से मेरा कोई ताल्लुक नहीं, ये मेरे लिए बेटी नहीं बल्कि महज एक गवाह है जिसे जुर्म के बारे में बहुत कुछ मालूम है। वकील मुल्जिम अगर चाहें
तो मेरे जाती कैरेक्टर पर छींटे उड़ाएं और साबित करें कि इस केस को साबित करने में मैंने कोई बदनामी की। योर ऑनर, मेरे डैडी बहुत उसूल के आदमी हैं। उन्होंने बहुत दिन हुए मुझे घर से निकाल दिया था। ये मैंने नहीं पूछा आपसे। मेरे डैडी बहुत सच्चे और खड़े आदमी हैं। वो काले को काला और सफेद को सफेद कहते हैं, चोर को चोर और कातिल को कातिल समझते हैं। वो उन्हें कभी इंसान मानने के लिए तैयार नहीं होते। मैं अपनी जात के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहता। योर ऑनर, गवाह को हिदायत की जाए कि वो इन फजूल बातों से अदालत का वक्त जाया न करे और सिर्फ वकील मुल्जिम की जरह का जवाब दे। सॉरी डैडी, सवाल कीजिए वकील साहब। लता देवी, आप मुल्जिम को कब से जानती हैं और कैसे जानती हैं? बहुत सी बातें जिंदगी में बिना सोचे बिना इरादा किए हो जाती है। मेरी इनसे मुलाकात भी एक इत्तेफाक था। हर रोज जब मैं कॉलेज से निकलकर घर आती थी तो ये मेरा पीछा करते थे। एक दिन मेरा पीछा करते करते जब घर तक पहुंच गए तो मुझे जानकर हैरत हुई कि ये मेरे भाई के दोस्त थे, हमारे घर के सामने रहते थे। इसके बाद कई बार आमना सामना हुआ, मुलाकातें हुई और हम एक दूसरे के करीब आते गए। इस तरह एक मुलाकात और इंतजार। दीदी, आप और यहाँ कैसे? रमेश कहाँ है जॉनी? मैं कब से इंतजार कर रही हूँ, अभी तक नहीं आया। बहुत बोर करता है। यही तो मैं कह रहा हूँ। क्या? यही कि ये कोई नई बात नहीं, आप हमेशा उसका इंतजार करती है और वो कम वक्त आता ही नहीं। लेकिन ये तो बताइए, आप लोग और यहाँ कैसे? ये सब बातें छोड़ो जॉनी, बताओ रमेश कहाँ है, अभी तक क्यों नहीं आया? वाह साहब वाह, आप तो ऐसा कह रही कि जैसे कि मैं उसका कोई खास चमचा हूँ। और नहीं तो क्या? बिल्कुल गलत, मुझे क्या मालूम को कार कब आएगा, मैं तो कई दिन से उसकी सूरत तक की नहीं देखी। झूठे कहेंगे, कल तो तुम उसके साथ थे। यही तो मैं कह रहा हूँ, कल था लेकिन आज नहीं। ओके बाबा, मैं जल्दी हूँ। जॉनी प्लीज बताओ ना रमेश कब आएगा। मुझे नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम। ये मेरी आई चले जॉनी। प्लीज मुझे जाने दो, रुक जाओ गुंजा दान। वेट वेट, ओह वेट, आई एम कमिंग। ओह माय लव, आई एम सॉरी। ऐ गुंजा दहन, ऐ गुंजा दहन, कल तो मना ही लूंगा इंशा अल्लाह, एक दिन तो तुझे अपना बना ही लूंगा इंशा अल्लाह। उनका दहन कल तो मना ही लूंगा इंशा अल्लाह, एक दिन तो तुझे अपना बना ही लूंगा इंशा अल्लाह। उनका दहन तेरी जुल्फें सजा ही लूंगा इंशा अल्लाह, एक
दिन तो तुझे अपना बना ही लूंगा इंशा अल्लाह ऐ गुंचा दहन। हाथों में तेरे मेहंदी रचा ही लूंगा इंशा अल्लाह इस दिन तो तुझे अपना बना ही लूंगा इंशा अल्लाह ऐ गुंचा दहन। कुछ भी हो तुझे दुल्हन बना ही लूंगा इंशा अल्लाह एक दिन तो तुझे अपना बना ही लूंगा इंशा अल्लाह उनका दहन कल तो मना ही लूंगा इंशा अल्लाह एक दिन तो तुझे अपना बना ही लूंगा इंशा अल्लाह उनका दहन। करीब आते गए मैं ये सोच भी नहीं सकती थी कि रमेश इतने करीब होने के बावजूद भी मुझसे इतने दूर है और इसी तरह एक दिन मुझसे कहे बगैर कलकत्ता चले गए। ये सवाल हमेशा मेरे दिमाग में घूमता रहा कि आखिर रमेश करते क्या है वो अचानक कहाँ गायब हो जाते हैं लेकिन इन बातों का इनसे पूछने पर भी कोई माकूल जवाब ना मिला। अचानक फिर एक दिन ये कलकत्ता से वापस आए और मैं इनसे मिलने गई। दर्शन दे दो राम भगत को दर्शन दे दो राम। रमेश लता कितनी सुंदर हो गई हो सिर्फ दो महीने में। और तुम कितने बेईमान हो गए हो सिर्फ दो महीने में कहाँ गए थे बिना बताए। सच कहता हूँ लता इतना मसरूफ था मैं बिजनेस में बिल्कुल वक्त नहीं मिला। बात यह है लता कि मैं बिजनेस में प्यार को मिक्स नहीं करता। मैं भी कितनी पागल मैंने तो जिंदगी में प्यार को मिक्स कर लिया। जी में तो ये था ना तुमसे मिलूं ना बात करूं ना तुम्हारा चेहरा देखूं। चेहरा तो देखने लायक नहीं मेरा। मजाक छोड़ो रमेश सच सच बताओ मैं कभी याद आती थी तुम्हें। याद तो वो आते हैं जो सामने नहीं होते। तुम तो हर वक्त मेरी आंखों के सामने रहती थी। और दिल में? दिल है कहां मेरे पास अब तुम मेरे नजदीक आ गई हो तो मैं दिल की धड़कने सुन रहा हूं। रमेश तुम नहीं जानते कुछ दिन दूर रहकर तुम कितने करीब आ गए हो मुझसे। तुम जब यहाँ नहीं थे तो मुझे महसूस हुआ कि जिंदा रहने के लिए तुम्हारी कितनी जरूरत है मुझे।
लता, इतना प्यार मत करो मुझसे कि मैं सब कुछ भूल जाऊं। एक तुम्हारी तमन्ना करके कितनी ही तमन्नाओं के जाल में फंस गया हूं। ऐसे ऐसे ख्वाब देखने लगा हूं जिनकी ताबीर मेरे बस में नहीं। जी चाहता है। क्या जी चाहता है? जी चाहता है कि सारी दुनिया को, तुम्हारे पिताजी भी इसी वक्त आ गए जब मैं दिल खोलकर तुम्हारे सामने रखने वाला था। शाम को मिलूंगी, उस वक्त दिल खोलकर रख देना सामने, मैं इंतजार करूंगी। मैं शाम का इंतजार करूंगा। रमेश नहीं आया। कलकत्ते से तो आ गए हैं। कलकत्ते से तो आ गए, लेकिन यहाँ क्यों नहीं आया? आ जाएंगे। आ तो जाएगा ही जाएगा कहाँ, लेकिन इतनी देर कैसे हो गई? ऐसा कभी नहीं हुआ। क्या बात है रमेश, मेरी जान। ए देखने के लिए आगे तरफ नहीं थी। भाई यही तो मैं कह रहा था, रमेश की सूरत देखने के लिए आगे तरफ गई थी या कलकत्ते के माल के लिए? दोनों के लिए। रमेश है तो माल है, और माल है तो सबके चेहरे के ऊपर रौनक है। क्यों रमेश? यस माल, यही तो मैं कह रहा था। चेहरे पर रौनक माल से नहीं होती है, किसी और चीज से होती है। क्या मतलब? क्यों, क्या मेरे चेहरे पर रौनक नहीं? मेरा चेहरा मनहूस दिखाई देता है क्या? यही तो मैं कह रहा था। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा था। मैं तो ये कह रहा था कि उस्ताद तुम्हारी शक्ल से ऐसा दिखाई देता है जैसे तेज चाकू रखा हुआ, और वो भी सात आवाज वाला, का का का। उस्ताद सच कहता हूँ, अगर तुम किसी लड़की से प्यार करो ना तो वो क्या करेंगे? बात 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 तुम बंद करो। काम के टाइम बकवास बंद नहीं करता हूँ। अरे खिजी खिजी खिजी, क्या कर रही हो? तुम क्या समझती हो कि उस्ताद ने मुझे धक्का देके बाहर निकाला है? ये तो मैं उस्ताद का दिल रखने के लिए जरा लेट गया था। अरे हुआ क्या था? वही पुरानी बात, कहने लगे लड़कियों से बात मत करो। फिर क्या? मैंने कहा भाई ये तो मैं करूंगा। उसके ऊपर उस्ताद खिजियानी बिल्ली बनके खंबा नोचने लगे। मैंने जो रख के दिया ना, तो उस्ताद जी बोल गए। अरे सुनी थी, वो मेरी आवाज नहीं थी, वो मेरी आवाज नहीं थी। फेंटन रमेश, फेंटन फाइन। अरे रमेश, वो अपने कलकत्ते के माल का क्या हुआ? आज रात आ रहा है वो, दत्तू की कश्ती की सारी मछलियां खरीद लेना। क्यों, तुम नहीं आ रहे हो क्या? एक प्राइवेट काम है। प्राइवेट काम? कहाँ जाना है शाम? तुम उसे छुपा रहे हो रमेश। देखो रमेश, तुम्हारा आना बहुत जरूरी है। याद रखो, जिंदगी में हर काम हमने साथ मिलकर किया है, और खास तौर से कलकत्ते का मामला तो तुमने जमाया है, और दत्तू सिर्फ तुम्ही को जानता है। दत्तू इसे जानता है, वो तुम्हें माल दे देगा, मेरे ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन रमेश, तुम्हें शाम को आना होगा। हुक्म दे रहे हो? मैं तुम्हें हुक्म कैसे दे सकता हूं? तुम मेरे दोस्त हो रमेश, मैं तो तुम्हें सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तुम देखो रमेश, जब किसी कारोबार के दरमियान औरत आ जाती है ना, तो उस कारोबार की खैर नहीं रहती। जगदीप, मैं सब समझता हूं, मुझे समझाने की कोशिश मत करो।
दिल से मेरे होना अगर मेरा यकीन, पूछ ले दिल से मेरे होना अगर मेरा यकीन। मैं मोहब्बत हूँ, मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। खानदानी पैसा नहीं होता? खानदान हो तो खानदानी होता है। मैंने तो आज तक न उसके बाप को देखा, न उसकी माँ को देखा, न कोई उसका अजीज रिश्तेदार नजर आया। वो अकेला रहता है, न उसका घर पर आने का कोई वक्त है, न घर से जाने का।
और यहां तक कि वो क्या करता है बरखुरदार, ये तुम भी नहीं जानते, और अगर जानते हो तो बताओ, बोलो। अच्छा पिताजी, मैं आज उसके बारे में सब कुछ जान के बताता हूं। ठीक है, आप शायद बहस के मूड में मालूम होती हैं, मैं जो कुछ कह रहा हूं ठीक कह रहा हूं, बहस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। बहस क्यों ना करूं, मैं लड़की की मां हूं। आप शायद ये भूल रही हैं कि मैं उसी लड़की का बाप हूं। आप बाप कम है वकील ज्यादा। प्लीज। नाम धाम जात पात जानकर क्या करोगे मोहन, मैं उन बेगिनती और बेनाम लोगों में से हूं जो गुमनाम ही पैदा होते हैं और गुमनाम ही मर जाते हैं। ओहो रमेश, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते, मैं तुम्हारा दोस्त हूं, तुम्हारी मदद करना चाहता हूं, सिर्फ मुझे इतना बता दो कि तुम काम क्या करते हो, ताकि मैं पिताजी को बता सकूं कि वो जो कुछ भी सोच रहे हैं गलत सोच रहे हैं। नहीं मेरे अच्छे दोस्त मोहन, मोहब्बत में शर्तें नहीं रखी जाती। मोहब्बत 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 तो सिर्फ एक जज्बे का नाम है, लेकिन जज्बात पर दुनिया नहीं चलती। देखो रमेश, जिंदगी में अगर तुमने कोई गलत काम किया हो तो मुझे बता दो, इंसान गिरता है तो संभल भी सकता है, हर आदमी हालात की जंजीर में बंधा हुआ है, लेकिन जंजीर जहां तक फैलती है वहां तक आजाद भी है। याद रखो रमेश, अगर जिंदगी के इस मोड पर तुमने कोई फैसला ना किया तो तुम्हारे साथ लता की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी। आज उसके साथ फैसला कहां ही होगा। फैसला मैंने कर दिया है। मैं ये गुनाहों की जिंदगी हमेशा के लिए छोड़ रहा हूं। लेकिन क्या ये गुनाहों की जिंदगी तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ देगी? क्या मतलब? मतलब बिल्कुल साफ है मेरी जान, इस जिंदगी का सिर्फ एक रास्ता है, वन वे ट्रैफिक। आने वाला आ तो सकता है लेकिन जाने वाला जा नहीं सकता। धमकी दे रहे हो? तो दोस्तों को धमकी नहीं दी जाती मेरी जान, बल्कि समझाया जाता है। दलदल देखा है, दलदल में फंस जाने के बाद दलदल दोबारा उसे वापस निकलने नहीं देता। रमेश, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम एक औरत के लिए बरसों की दोस्ती को यूं छोड़ दोगे। औरत 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 औरत। रमेश, तुम जानते हो मैंने जिंदगी में सबसे पहली बार किससे नफरत की? अपनी माँ से। वो भी एक औरत थी, उसने मेरे बाप को खुदकुशी करने के ऊपर मजबूर कर दिया। और तुम जानते हो मैंने जिंदगी में पहली बार किससे मोहब्बत की? अपने दोस्त से। अपने दोस्त से जो मेरी ही तरह लावारिस था, अनाथ था, यतीम था। हम दोनों को दुनिया ने इस तरह फेंक दिया था जैसे कोई खाली बोतल को फेंक देता है। रमेश, हम दोनों एक ही तरह के कीड़े हैं। तुम किसी पाकीज़ा जिंदगी में चाहोगे ना तो शराफत के जूतों से कुचल दिए जाओगे। जगदीप, मेरी बात समझो। जगदीप, मैं तुम सबको समझाने आया हूं, कब तक हम गंदे कीड़ों की तरह अपनी जिंदगी गुजारते रहेंगे? कब तक हम अपने नाम से, अपने काम से, अपने जमीर से, अपने आप से घबराए मुँह छुपाए? हमारी जिंदगी जिंदगी के नाम पे गाली है। आखिर कब तक हम कानून तोड़ते रहेंगे? आज नहीं तो कल जब हम इसकी जकड़ में आ जाएंगे तो भरे बाजार के लोग हमारे मुंह पे थूकेंगे। मौत भी मिलेगी तो जिल्लत की, मरने के बाद भी लोग हमारे नाम पर लानत भेजेंगे। अब तुम नेक बन गए हो रमेश, पूरा जादू चल गया तुम पर। मैं समझ गया तुम्हारे मुंह में किसकी जबान बोल रही है, मैं समझ गया। अब तो तुम मरने के बाद सीधे स्वर्ग में चले जाओगे, अमर हो जाओगे। लेकिन याद रखो रमेश, मरने से पहले तुम्हें मेरी दोस्ती का हिसाब बराबर करना होगा। इतनी आसानी से तुम हमारे राज लेकर जा नहीं सकोगे। अगर तुम ये समझते हो कि कानून क्या, तो हमारी जिंदगी का सौदा करके तुम ऐश करोगे तो मैं ऐसा हरगिज ना होने दूंगा। जगदीप, मुझे गलत न समझो। अब तक समझता था लेकिन अब नहीं। तुम अपनी गंदगी लेकर शरीफों की दुनिया में पनप नहीं सकोगे, और अगर पनप भी गए तो मुझसे बचकर ना जा सकोगे। मैंने शरीफ बनने की कसम खाई है, बुजदिल बनने की नहीं। अरे
लता देवी, ये सारे वाकयात आपको कैसे मालूम? मुझे इनके दोस्त जॉनी ने ये सब वाकयात बताए। रमेश ने जगदीप से दुश्मनी क्या मोल ली, जैसे उसने सारे जमाने की दुश्मनी मोल ली थी। जगदीप उसकी बदनसीबी की तरह उसका पीछा कर रहा था। एक दिन वो हमारे घर आ पहुंचा। खास सार को हर चरणदास कहते। तशरीफ रखिए, आ जाओ। इसे फरमाइए, क्या खिदमत कर सकता हूँ? अजीज साहब, मैं अपने भतीजे के बारे में आपसे कुछ गुफ्तगुशनीद यानी कि कुछ बातचीत करने आया हूँ। कौन है आपका भतीजा? अजी वो कहाँ गई कमबख्त तस्वीर, उसका अक्स है मेरे पास, ये देखिए, इसको देख लीजिए, सब कुछ रोशन हो जाएगा। तो रमेश आपके भतीजे हैं? अजी साहब क्या बताएं, हाँ साहब है, लेकिन उस नाखलक को मैंने एक अरसा हुआ घर से निकाल बाहर किया। क्यों? अरे भाई, एक नंबर का लुच्चा, लफंगा, डाकू, चोर और क्या कहते हैं उसको, स्मगलर, और न जाने क्या क्या घर हो गया। अरे वकील साहब, उस कमबख्त ने मुझे वो दुख दिए हैं, वो दुख दिए हैं कि इस जहान में किसी ने किसी को ना दिए होंगे। मैंने उसे पढ़ाया, लिखाया, परवान चढ़ाया, न जाने क्या क्या कुछ किया इस दिन के लिए कि पत्तों की लत में वो तबाह बर्बाद हो जाए। रमेश जुआ खेलता है? खेलता था, अब रेस खेलता है। रेस खेलता है? अरे भाई, जब चोरी का माल आ रहा हो तो जाने का भी तो कोई रास्ता चाहिए। वो चोरी भी करता है? चोरी करता था, अब वो तरक्की कर गया है, अब तो वो डाके डालता है। अजी साहब, आपने तो सुना होगा, वो जगदीप नाम का है, गुंडा है, बस उसके साथ मिलकर डाके मारता है और न जाने क्या क्या कुछ करता है। जगदीप वो तो एक रूपोश मुजरिम है। अजी, रूपोश मुजरिम? क्या कह रहे हैं आप? अरे बहुत ही भयानक आदमी है वो, जब चाहे बहरूपिया रूप बदल कर जहाँ चाहे पहुँच जाता है, और कत्लो आदत करना तो उसके बाएं हाथ का खेल है। रमेश का कभी भी ऐसे मुजरिम से कोई ताल्लुक नहीं हो सकता। जी तो आपकी तारीफ? मेरा बच्चा है। बच्चा है? जीते रहो जीते रहो, काश कि मेरा भी भतीजा इतना ही अच्छा होता, काश कि उसका किसी मुजरिम से ताल्लुक ना होता। जब आप ये सब कुछ जानते हैं तो पुलिस को इत्तला क्यों नहीं करते? अरे साहब, यही तो मजबूरी है कि वो मेरे मरे हुए भाई की निशानी है, और प्यार और मोहब्बत भी तो इस दुनिया में कोई चीज हुआ करती है। कितना ही बुरा सही, कितना ही जलील सही, लेकिन है तो मेरा भतीजा ही कमबख्त। अब कहाँ गया आपका प्यार? अजी साहब, बात अब हद से आगे बढ़ चुकी है, और फिर मुझे उसकी बीवी का ख्याल था, इसीलिए मैंने चुप लगा ली। क्या रमेश की बीवी है? जी हाँ जी हाँ, ये देखिए उसकी तस्वीर मेरे पास है। अब भला आप ही बताइए, इसमें किस चीज की कमी है? इसकी मैंने शादी अपने हाथों से कराई थी, मगर वो कमबख्त बदनसीब इसे छोड़कर चला गया। अब सुना है कि उसने दो शादियां और कर ली। उसने दो शादियां और की? अब ये तो भगवान ही जाने कि उसने शादियां की या उन्हें धोखे में रखा। आप रहते कहाँ? मैं इसी शहर में रहता हूँ। और रमेश की बीवियां कहाँ रहती? रमेश की बीवियां भी यही रहती है। चलिए, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। गोया आप झूठे को मंजिल तक पहुँचाना चाहते हैं। बहुत खूब। जी हाँ, चलिए। अजी साहब, और दीजिए गालियां मुझे, मैं झूठा हूँ, बहरूपिया हूँ, लुच्चा हूँ, लफंगा हूँ, सब कुछ हूँ। तुम खामोश रहो जी, मैं पूरी बात सुनना चाहता हूँ। फरमाइए हरचरण दास जी। अब हरचरण दास क्या करेगा हुजूर, अपने साहेबजादे से पूछ लीजिए, इनसे बेहतर उस जादूगर को कौन जानेगा। अजी साहब, ये तो लंगोटियां हैं। वकील साहब, मैं तो इंसानियत के नाते आ गया था कि बाखबर कर दूं, कहीं उस भेड़िए की इस घर के किसी चीज के ऊपर नजर ना हो। आप समझे मेरा मतलब? अकलमंद को इशारा काफी होता है, और आपसे ज्यादा अकलमंद उफ इस शहर में है कौन? अच्छा साहब, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलता। अजी साहब माफ करिए, बस आप वकील साहब की साहेबजादी, भगवान आपकी रक्षा करे, भगवान आपकी रक्षा करे। कहाँ चले? तुम किसी शरीफ आदमी का पीछा करके उसका अपमान नहीं कर सकते। और आप किसी भी शरीफ आदमी का अपमान कर सकते हैं। लता, आप मोहन को इसलिए रोक रहे हैं कि उस बुढ़े के झूठ का भेद न खुल जाए, और उसकी बातें रमेश के लिए गलत न साबित हो। मुझे उसकी सच्चाई में कोई शक नहीं। इसलिए कि वो आपके दिल की बात कह रहा था। आपने रमेश के बारे में जो राय कायम कर ली है, वो उसे और मजबूत कर रहा था। वो सच्चा और हम सब। तुम ना समझ हो, बच्ची हो, दुनिया के झूठ सच को नहीं जानती। मैं सब जानती हूँ,
रमेश कौन है, क्या है और कैसा आदमी है। मैं आपकी तरह इधर उधर से सुनकर किसी के बारे में फैसला नहीं करती। तुम फैसला करने वाली होती कौन हो? अपनी जिंदगी के बारे में फैसला करने का मुझे पूरा हक है। लता क्या गलत कह रही है? लता हम इस पर और सोच विचार कर ले तो उसमें हर्जा क्या है? सिर्फ उस बूढ़े की बात का एतबार क्यों करें? पिताजी मुझे भी ये बूढ़ा बहरूपिया लगता है। हो सकता है ये रमेश का दुश्मन हो। और तुम सब मेरी इज्जत आबरू के दुश्मन हो। पिताजी मुझसे बहस करने की कोशिश न करो। मालती लता रमेश से नहीं मिलेगी। पिताजी खामोश। बहुत आजादी दे दी थी मैंने तुमको, मगर तुम इस लायक नहीं हो। आज से तुम घर के बाहर नहीं निकलोगी। खादी क्यों नहीं है? मुझे भूख नहीं। भूख नहीं है तो उठ जाओ, मुझे इस तरह बैठना पसंद नहीं। क्या पत्थर है आपके सीने में? आपसे रूठी थी, जरा मना लेते तो खा लेती। जिसे भूख हो वो मनाने का इंतजार नहीं करता। आप भी जा रहे हैं? बहुत अच्छा। और आपका भूख हड़ताल के बारे में क्या कहना? बेटी ये क्या हालत बना रखी है? कोई इस तरह बात को दिल से लगा लेता है? जरा सोच तो, तेरी ये हालत देखकर मेरे दिल पर क्या गुजर रही है? तू उदास है तो सारा घर उदास है। मैं तेरा दुख जानती हूं बेटी, लेकिन तू क्या ये समझती है कि हम तेरा बुरा चाहते हैं? मैंने पिताजी का क्या बिगाड़ा है माँ? मैंने कभी उनको दुख नहीं पहुंचाया, उनकी हर बात मानी। वो मेरी एक बात क्यों नहीं मानते? रमेश से मिलने क्यों नहीं देते मुझे? मैं उसे एक बार बात कर लूं तो कौन सी बदनामी हो जाएगी खानदान की, कौन सा आसमान टूट पड़ेगा? पर बेटी वो तेरे दुश्मन तो नहीं है। दुश्मनी और क्या होती है माँ? वो समझते मैंने कोई गुनाह किया है, वो मुझे उसकी सजा दे रहे हैं। मुझे एक बार रमेश से मिलने दो माँ। अगर पिताजी की बात सच हुई तो मैं वादा करती हूँ मैं खुद कभी उसका मुंह नहीं देखूंगी। लेकिन बेटी तू मिलेगी किससे? वो कई दिन से घर नहीं आया, उसका कोई पता नहीं। वो आएगा माँ, जरूर आएगा। आएगा या नहीं ये तो नहीं मालूम, लेकिन बेटी अब तो मुझे भी शक होने लगा है। तेरे पिता ठीक ही कहते हैं। नहीं मां नहीं, वो ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं रमेश के बारे में और कुछ नहीं सुनना चाहती। पूछ ले दिल से मेरे, अगर मेरा यकीन। Oh,
शहर तक पहुंच गया, अब तुम शिकारियों को खबर कर दो। इस वक्त रमेश के पास ऐसी चीजें हैं कि अगर वो गिरफ्तार हो गया तो हमेशा के लिए लोहे की सलाखों के पीछे पहुंच जाएगा। ओ रमेश, तुम कहां छुप गए थे? मैंने कितना इंतजार किया, क्या क्या गुजर गई मुझ पर, और तुमने मुझे मिलने की कोशिश भी नहीं की। मैं मजबूर था लता। मैं जानती हूँ तुम्हारे पीछे दुश्मन लगे हुए हैं, जाने क्या क्या इल्जाम लगा रहे हैं तुम पर। आखिर तुमने क्या बिगाड़ा है उनका? मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, अगर बर्बाद किया है तो सिर्फ अपने आप को। रमेश, और सिर्फ तुम्हारे लिए। फिर ये लोग क्यों कहते हैं कि तुम चोर हो, स्मगलर हो? मैं सब कुछ था, लेकिन अब नहीं हूं। अब मैं रमेश हूं, सिर्फ तुम्हारा रमेश। तो क्या ये सच है कि तुमने मुझे धोखा दिया, औरों को भी धोखा दिया? हाँ, ये सच है रमेश। लेकिन मेरा यकीन करो, मैं हालात में फंस गया था। हालात का बहाना पुराना हो चुका, अब कोई और बहाने बनाओ, कोई और कहानी सुनाओ, कोई और नाटक। लता, भगवान के लिए मत हाथ लगाओ मुझे। लता, सिर्फ तुम ही मेरा दुख समझ सकती हो, मेरा और कोई नहीं। नहीं, नहीं, मैं। लता, लता मेरी बात सुनो, सुनो मेरी बात लता। नहीं सुना लता। लड़की को मैं बिल्कुल नहीं जानता। पिताजी? कौन पिताजी? आज से न तुम मेरी बेटी न मैं तुम्हारा पिता। इंस्पेक्टर, आप इन्हें ले जा सकते हैं। ये क्या किया आपने? वो लोग उसे पुलिस स्टेशन ले जा रहे हैं। मगर आप अच्छी तरह से जानते हैं पिताजी कि मुजरिम की मदद करने वाले को क्या सजा मिल सकती है। आपका एक लफ्ज उसे बचा सकता है। मेरे हजार लफ्ज उसे रमेश से मिलने से न बचा सके,
भुगतने दो। ओहो पिताजी, इतना तो सोचिए, वो आपकी बेटी और मेरी बहन है। पर फरदार, मुझे रिश्ता समझाने की कोशिश न करो, मेरा फैसला अटल है। लता का इस घर में किसी से कोई रिश्ता नहीं। तो मेरा फैसला भी सुन लीजिए पिताजी, अगर लता इस घर में नहीं रह सकती तो मैं भी इस घर में नहीं रहना चाहता। ये आपको क्या हो गया है? खामोश रहो, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। ऐसा वैसा मैं नहीं, आदमी हूँ काम का। होगा एक दिन शोर घर घर, बस मेरे ही नाम का। ऐसा वैसा मैं नहीं, अरे आदमी हूँ काम का। होगा एक दिन शोर घर घर, बस मेरे नाम का। ऐसा वैसा मैं नहीं। शहर बंबई, पूजे उसे या सभी, जो है गुरु बात का। ऐसा वैसा मैं नहीं, अरे आदमी हूँ काम का। होगा एक दिन शोर घर घर, बस मेरे ही नाम का। ऐसा वैसा मैं नहीं। हसीना से भी मैंने दिल लगाया, मेरे कदमों पर उसी ने सर झुकाया। जिस हसीना से भी मैंने दिल लगाया, मेरे कदमों पर उसी ने सर झुकाया। ऐसा वैसा मैं नहीं, हाय हाय आदमी हूँ काम का। होगा एक दिन शोर घर घर, बस मेरे ही नाम का। ऐसा वैसा मैं नहीं। अपने हर एक जोक पर दूंगा उसे मैं हंसा। ऐसा वैसा मैं नहीं, अरे आदमी हूँ काम का। होगा एक दिन शोर घर घर, बस मेरे ही नाम का। ऐसा वैसा मैं नहीं। कल ही कहा था कि यहाँ काम काज करने वाली लड़कियों के साथ में अगर तुम्हें आइंदा नाश्ते खाते देखा तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। यही तो मैं कह रहा हूँ। यही तो मैं कह रहा कि आपसे बड़ा कोई नहीं होगा। तुम्हारा भी वही हर्ष होने वाला है जो रमेश का हुआ है। जानते हो रमेश का क्या हर्ष हुआ है? जिस लड़की की खातिर वो हमें ठुकरा कर गया था, आज वही लड़की उसकी शक्ल से नफरत करती है।
आखिरी बार तुमसे बात करना चाहता हूं। मैं अब कुछ सुनना नहीं चाहती, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। लता, ये मेरी जिंदगी का पहला और आखिरी मोड़ है, मेरा भरोसा करो। मैंने गुनाहों की जिंदगी छोड़ दी है, मैं अपने आप से भागते भागते अब लौटा हूं। मुझे सहारा दो, मेरे प्यार को मत ठुकराओ। प्यार? तुम जैसे मक्कार, फरेबी, धोखेबाज, चोर, स्मगलर। लता, तुमने दुनिया, कानून और समाज को धोखे दिए हैं। तुम मुजरिम, जिसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। लेकिन जो धोखा तुमने मुझे दिया है, उसकी सजा मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी। इसकी सजा तुम मुझे दे रही हो? मैं सजा काट रही हूं। काश मैंने डैडी की बात मान ली होती तो दुनिया में रुसवाई न होती, खानदान और माँ बाप की इज्जत भी रह जाती और मेरे दिल का चैन और सुकून भी गारत न होता। खानदान, इज्जत, माँ बाप, दुनिया, समाज, सब कुछ तुम्हारे लिए है लता, मेरे लिए तुम्हारे सिवा कोई। मैं भी तुम्हारे लिए कोई नहीं। आज से मेरा तुम्हारा कोई संबंध नहीं। मैं तुम्हारी सूरत भी नहीं देखना चाहती। मैं दिखाना भी नहीं चाहता। जब तुम ही भरोसा नहीं करती तो फिर कौन भरोसा करेगा? अब मैं जब तक तुम्हारे लायक ना हो जाऊं, मैं तुम्हें अपनी सूरत भी नहीं दिखाऊंगा। अगर ऐसा ना हो सका तो समझ लेना रमेश मर गया। मुझे सचमुच नफरत हो गई। काश ये कहानी मुझे पहले मालूम होती। मैंने एक गुनहगार इंसान के दिल में पैदा होते हुए मासूम इंसान को मार डाला और ये इंसान हर रोज मारा जाता है, सड़कों पर, अदालत के कठेरों में, हवालात में, जेल में, घबराया हुआ, छलाया हुआ, लोगों की नफरत से नजरें चुराता हुआ ये इंसान हर रोज मारा जाता है और हम इसे मारते हैं। योर ऑनर, मुजरिम समाज से नफरत करता है और बदले में समाज मुजरिम से नफरत करता है। हम नफरत से नफरत को नहीं मिटा सकते योर ऑनर। पत्थर मारकर किसी जख्म का इलाज नहीं कर सकते। जुर्म सिर्फ प्यार से मिट सकता है, दिल सिर्फ दिल में उतर जाने से बदल सकता है। आप सबको हैरत होगी कि ये मैं क्या कह रही हूं, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, रेखा के हालात मालूम होने के बाद मुझे इससे कोई गिला नहीं, कोई शिकायत नहीं। मैंने वो तमाम दुख भुला दिए जो मुझे इसके प्यार में मिले थे, इसलिए कि रेखा के दुखों के आगे मेरे दुखों की कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं। मुझे दुख है अगर तो सिर्फ ये कि मैंने मंजिल पर पहुंचकर इसका साथ छोड़ दिया। इसकी सारी कुर्बानियां मेरी एक भूल से बर्बाद हो गई। जुर्म ना करने की कसम खाने वाले के हाथों इतना बड़ा जुर्म हुआ कि इसने एक इंसान की जान ले ली और वो भी मेरे लिए। योर ऑनर, अगर रमेश गुनेगार है तो मैं भी उतनी ही गुनेगार हूं। इसे अगर सजा दी जा रही है तो मुझे भी सजा मिलनी चाहिए। सिर्फ पछतावा मेरे लिए सजा नहीं, सिर्फ पछतावा मेरे लिए सजा नहीं, सिर्फ पछतावा मेरे लिए सजा नहीं। मैं कोर्ट जा रहा हूं, कुछ कहना है? कहना क्या है, मैंने उनके लिए भगवान से प्रार्थना की है, अब सब आपकी कोशिश पर है।
कोशिश तो मैंने बहुत की है, लेकिन जैसे जैसे अदालत में वाकयात खुलते जा रहे हैं मेरी आस टूटती जा रही है। भैया मेरी आस तो भगवान के बाद आप ही से लगी हुई है। आप ही दिल छोटा करेंगे तो मैं कहां जाऊंगी। कुछ भी कीजिए, मेरे स्वार्थ को बचा दीजिए। रेखा मुसीबत तो ये है, तुम्हारा सुहाग न जाने कितनों का सुहाग है। नहीं भैया, मेरा दिल कहता है कि दिल के कहने से क्या होगा। ये नहीं सुना दुनिया क्या कह रही है। दुनिया छोटी है। पर लता के आंसू झूठे नहीं हो सकते। भगवान करे कि झूठे हो। काश ऐसा होता। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि दीपक हमें इस तरह धोखा दे सकता है। तुम कितनी बदनसीब हो। भरी दुनिया के आगे तुम्हें क्या क्या कहना पड़ा। न ये छुप सका कि तुम पतिता हो, न ये कर सकता कि तुम शायद विधवा हो जाओ। मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। सरला देवी, आप इस शख्स को जानती हैं? जी हाँ, ये मेरे पति हैं। क्या नाम है इनका? जगदीश। इनसे शादी कब हुई आपकी? 6 बरस पहले। 6 बरस से ये आपके साथ हैं? जी हाँ। मेरा सवाल समझ लीजिए, 6 बरस की जिंदगी में ये कभी आपसे दूर नहीं हुए? 5 बरस पहले जब मुन्नी पैदा हुई तो ये बेरोजगार थे। बेरोजगारी से तंग आकर ये खत छोड़कर चले गए कि रोजगार मिलने पर हमें बुला लेंगे। फिर कब बुलाया इन्होंने? 2-3 महीने पहले। आपको इनकी किसी बात से, किसी हरकत से कभी ये शक हुआ कि आपसे कुछ पाते? जी हाँ, कई बार शक हुआ। जब इनके बुलाने पर मैं बंबई आई तो कई ऐसे वाकयात हुए। अच्छा, आप जरा मेहरबानी करके तफसील से उन वाकयात को अदालत के सामने बयान कर दीजिए। जब मैं इनके बुलाने पर बंबई आई। नाराज है डैडी से? तू डैडी से नाराज है? तू बोली नहीं रही? मुन्नी, तुम्हारी मम्मी हमसे नाराज दिखाई देती है ना? अच्छा तुम एक काम करो, वो खिड़की दिखाई देती है ना, उसके उस तरफ एक नीम का पेड़ है और नीम के पेड़ के ऊपर बहुत सारे कौवे। क्या है? तो पकड़ेगी ना उनको, खेलेगी ना? अच्छा भाग, देखो भाग 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 भाग। सरला देवी, कब गुस्सा खत्म होगा आपका? अगर आप कहें तो मैं जरा घूम कर आऊं। क्यों, इतने बरस काफी नहीं हुए इधर उधर घूमने के लिए? सरला, और शर्मिंदा ना करो, यूं समझो नए सिरे से जिंदगी शुरू हो रही है। आज पहला दिन है, खुश हो जाओ, भूल जाओ, जो हो गया सो हो गया। जो हो गया फिर हो सकता है? नहीं हो सकता है, कभी नहीं। कैसे मान, इतने बरस दूर रहकर तुम खुश रहे, अपने बच्चे की खबर तक नहीं ली, ये तक ना सोचा कि मुझ पर क्या बीत रही होगी तुम्हारे बगैर। क्या बताऊं हालात कैसे थे, मैं खुद तुम्हारे बगैर ऐसे जी रहा था जैसे जीने की रस्म पूरी कर रहा हूं। माफ कर दो, मैं तुम्हारी कसम खाता हूं, मुन्नी की कसम खाता हूं, अब मैं तुम्हें कभी दूर नहीं करूंगा। मुस्कुरा दो सरला, मान जाओ, मान जाओ। सरला कहाँ है? सरला, बहुत थक गया हूं, बहुत काम है। क्या करें भाई, करना पड़ता है, बीवी बच्चों के लिए आदमी क्या नहीं करता। खैर, एक गर्मा गर्म चाय तो पिला दो। अगर पता होता कि आज आप घर तशरीफ ला रहे हैं, चाय तैयार है। कभी तो प्यार से बात किया करो, 2 दिन के बाद आया हूं, ट्रेन से उतरते ही सीधा चला आ रहा हूं। कहीं बाहर गए हुए थे आप? हाँ, बंबई से बाहर गए हुए थे। तो तुम क्या समझी मैं घर से बाहर गया हुआ था? मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, मुझे ये तक नहीं मालूम कि चौपाटी बंबई से बाहर है। चौपाटी? जहाँ आप किसी लड़की के साथ अपनी ड्यूटी में मसरूफ थे। लड़की के साथ? कहीं ख्वाब तो नहीं देखा तुमने? ख्वाब तो बहुत देख चुकी हूँ,
अब ताबीर देख रही हूँ अपने ख्वाबों की। मैं हजार बार कह चुका हूँ कि पिछली बातों को भूल जाओ। पिछली बातों को तो मैं भूल चुकी हूँ, लेकिन ताजा घाव कैसे भूल जाऊँ? कौन थी वो लड़की? कौन सी लड़की? जिसको लिए आप यूँ जा रहे थे जैसे वो ही आपके सब कुछ हो, और मैं कोई नहीं। क्या कह रही हो तुम? मैंने कितनी आवाजें दी लेकिन आपने पलट कर भी नहीं देखा, और देखते भी क्यों? भला ना पूछा था? सर्रा दादी, पूछ लो अपनी बेटी से, मैं तो ख्वाब देखती हूँ। दादी, वो आपके साथ लड़की कौन थी? दादी, ये पारे किसके? दादी, ये दाढ़ी किसके? क्यों हाथ डाला तुमने मेरी जेब में? दोबारा ऐसी हरकत की तो एक लगाऊंगा। सरला, मैं भी तंग आ गया हूँ तुम्हारी रोज की किटकिट से। अगर तुम समझती हो मैं किसी लड़की के साथ था तो समझ लो। बेटी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुमको खामखा डाटा है। मैं किसकी कसम खाऊं? कसम खाने की जरूरत नहीं, मैं आपके लिए चाय। तुम पूछती थी ना मैं क्या काम करता हूं, वापस आकर मैं सब कुछ बता दूंगा, और शायद बताने की जरूरत भी नहीं, अखबार में छप जाएगा कि तुम्हारे पतिदेव ने क्या कारनामा किया है। इतना बड़ा इनाम मिलेगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। तब तुम्हें यकीन आएगा कि मैं तुम्हारी सिवा किसी लड़की को जानता भी नहीं। जब यकीन आएगा तब आएगा। अब आप खाना तो खा लीजिए। सुनिए, ये काम खतरनाक तो नहीं? खतरनाक तो है। मैं अभी आया। सरला, पिस्तौल लौट गया है मुन्नी, ये बहुत खतरनाक चीज है, इससे आदमी मर जाता है। नीचे गिरा दो। अपने पास के रखा है किसी को मारने वाले हो? बेटी, नीचे गिरा दो इसे, गिरा दो नीचे। मेरी बात सुनो बेटी। डैडी पर पिस्तौल चला। अरे अरे, क्या कर रही हो, इसे क्या मालूम बेचारी को। मुन्नी, मैं तुम्हें दूसरी पिस्तौल ला दूंगा, किलो होने वाली। ला दोगे फिर क्यों हाथ लगाऊंगी? अच्छा बाबा, ला दूंगा, जरूर ला दूंगा। ये पिस्तौल किसका है? तुम्हें सब मालूम हो जाएगा। अच्छा मैं चलता। मेरी जो और उस रात के बाद ये लौट कर नहीं है। मैं इंतजार करती रही, मुन्नी इंतजार करती रही, और अब तक इंतजार कर रही है। याद कीजिए, वो 19 जनवरी का दिन था। जी जी हाँ, याद कीजिए, वो आपकी जिंदगी का बहुत अहम दिन है। जी हाँ, वो 19 जनवरी का दिन था। अब एक बात और बता दीजिए, इस अरसे में जबकि मुल्ज़िम आपसे दूर रहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उसने किसी और लड़की से शादी कर ली हो, किसी और लड़की से प्यार करना था? मुझे भी रात को डैडी के बिना नींद नहीं आती, मुझे मुझ पर तरस खाइए। आप सब खामोश क्यों हैं? बोलिए मैं अपने डैडी को ले जाऊं। मैं हाथ जोड़ के बोलती, मेरे डैडी को छोड़ दीजिए, मेरे डैडी को छोड़ दीजिए, मेरे लिए बोलो मैं अपने डैडी को ले जाऊं। वकील साहब, मैं हाथ जोड़ के बोलती, मेरे डैडी को छोड़ दीजिए, मेरे डैडी को छोड़ दीजिए। बोले थ्री गर्ल्स वन बॉय, यही तो मैं भी कह रहा था। एक वो भी है जिनको मुरादें मिली, एक मैं के किस्मत ने लूटा मुझे। एक वो भी है जिनको मुरादें मिली, एक मैं के किस्मत ने लूटा मुझे। कारवां है जहां और न मंजिल कोई, ऐसी राहों पे अब आके छोड़ा मुझे। एक मैं के किस्मत ने लूटा मुझे।
तुझको कसम ऐ जमाने बता दे तू ये कम से कम मेरी बर्बादी ये दिल की तुझको कसम ऐ जमाने बता दे तू ये कम से कम मौत की आरज़ू का सहारा ली कितने दिन और जीना पड़ेगा मुझे कितने दिन और जीना पड़ेगा मुझे एक मैं के किस्मत ने लूटा मुझे एक वो भी है जिनको मुरादे मिली एक मैं के किस्मत ने लूटा मुझे करूं और मैं के इस डर से खामोश हूँ लब पे आई हुई मेरी फरियाद ही कर न दे सारी दुनिया में रुसवा मुझे कर न दे सारी दुनिया में रुसवा मुझे एक मैं के किस्मत ने लूटा कीमत नहीं कोई पत्थर को चुन ले ये किस्मत नहीं मैं वो मोती हूँ जिसकी के कीमत नहीं कोई पत्थर को चुन ले ये किस्मत नहीं झूठी उम्मीद रखने से क्या फायदा अब न भटका फरेबे तमन्ना मुझे अब न भटका फरेबे तमन्ना मुझे एक मैं के किस्मत ने लूटा मुझे एक वो भी है जिनको मुरादे मिली एक मैं के किस्मत ने लूटा मैं तुम्हारे लिए खिलौने लाई हूँ आपसे बात नहीं करूंगी आपने मेरे डैडी को पकड़ा है खिलौने लेकर आई हो सिर्फ खिलौने लेकर आई हो जी हाँ मैं यह देखने आई हूँ जिसके सुहाग पर मौत का साया मंडला रहा हो वो कैसी लगती है आप मुझे गलत समझ रही हैं मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ चुकी हूँ और मैं ही क्या सारी दुनिया तुम्हारे चर्चे सुन चुकी है मैं तो आपको तसल्ली देने आई थी आपका दुख बांटने आई थी लेकिन आपने ये भी नहीं सोचा कि कोई खुद चलकर आपके घर आया है यही तो मुझे हैरत है तुम इस घर में कैसे हो जिसको जानने का तुमने पूरा जतन कर दिया है आप नहीं जानती मैं क्या कहने आई हूँ मैं सब जानती हूँ कुछ नहीं जानती आप सिर्फ अपना दुख जानती है अपने आप को जानती है मुझे आपसे हमदर्दी है इसलिए यही तो मैं कह रही हूँ मैं तुम्हारी जुर्रत की दाद देती हूँ जिसका घर बर्बाद किया उसी की बर्बादी का तमाशा देखने आई हूँ किसी पर इल्जाम लगाने से पहले सोच लीजिए इल्जाम की परवाह होती तो अपने माँ बाप के रोकने की तुमने परवाह की होती रीत रिवाज को तोड़कर किसी गैर मर्द पर डोरे न डाले होते जिसे तुमने अपने प्यार में दीवाना कर दिया जिसने तुम्हारे लिए किसी का खून कर दिया
एक औरत होते हुए तुमने एक औरत का सुहाग छीना, एक बच्चे को उसके बाप से दूर कर दिया। तुम्हारे मन में जरा भी दया ना आई, जरा भी तरस ना आया इस मासूम पर। आप जो चाहे कह सकती हैं, इसलिए कि समाज ने, दुनिया ने, भगवान ने आपको हक दिया है। मुझे तो कोई आसरा नहीं, मैं सबकी धुतकारी हुई हूं। अनजाने में एक भूल हो गई कि मैंने किसी पर भरोसा किया। इस भूल की सजा में मेरा सब कुछ छिन गया, सब कुछ छिन गया। आपका दुख सुनने वाली तो बहुत है, मेरा कोई नहीं। मैं प्यार के दो बोल की आस लेकर आपके पास आई थी। सोचती थी हम दोनों एक ही दर्द के मारे हुए हैं, गले मिलकर रो लेंगे तो दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। खैर, शुक्रिया आपका, लेकिन सिर्फ इतना और सुन लीजिए। मेरा भगवान जानता है मैं रमेश के बारे में कुछ नहीं जानती थी, कुछ नहीं जानती थी। सुनो, मुन्नी को खिलौने नहीं दोगी? बेटी तेरे लिए। प्यारा नाम है। इसका नाम क्या है? इसका नाम मुन्ना है। बहुत प्यारा नाम है, ये मेरे डैडी का। जो कुछ हो सकता हो कीजिए, रुपए पैसे की आप बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, मगर उन्हें बचा लीजिए। मैं आपसे विनती करती हूँ, आप उन्हें किसी तरह बचा लीजिए। अगर मुझसे कोई गिला हो तो मुझे माफ कर दीजिए। नहीं नहीं बहन, तुमसे हमें क्या गिला हो सकता है, पर तुम हमसे हजारों गिले कर सकती हो। हमको चाहिए था कि हम पूरी तरह पता करते, लेकिन हमने दीपक के ऊपर पूरा भरोसा किया और तुम्हारे साथ और तुम्हारी बच्ची के साथ जुल्म हो गया। इस वक्त किसने किसके साथ जुल्म किया है ये नहीं सोचना है। आपने मुझे बहन कहा, भैया इस वक्त तो ये सोचिए कि उनकी जिंदगी कैसे बचा सकते हैं। मैं तो सोच सोच कर थक गया हूँ बहन। जब भी सोचता हूँ फांसी का फंदा उसके गले के नजदीक दिखाई देता है। मम्मी, क्या? हाँ बेटा, ये तुम्हारे अंकल हैं। नमस्ते। नमस्ते। अंकल आप मेरे डैडी को बचा लीजिए। हाँ बेटी, मैं जरूर बचा लूंगा। अंकल देखिए, मैं रोज डैडी के हाथ पास होती थी, डैडी को पुलिस ने पकड़ लिया, अब कहाँ सो बताइए ना। अंकल डैडी को छुड़ा के भेज दीजिए, मेरी मम्मी बहुत रोती है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो बहुत जल्द आ जाएंगे। अंकल आप ऐसा कीजिए, कोर्ट में बोल दीजिए मैं उनके बजाय, डैडी के बजाय मुझे फांसी। ऐसा नहीं बोल सकते। योर ऑनर, अपनी शहादतों के जरिए जिनकी मुल्ज़िम की तरफ से कोई तर्दीद नहीं की गई है, मैंने ये पॉइंट साबित किए हैं। ये कि मुल्ज़िम जो अपने आप को दीपक कह रहा है वही शख्स है जिसने चौधरी को कत्ल किया और जिसके सबूत में मैंने आंखों देखी शहादत पेश की है। दूसरी बात यह कि मुल्ज़िम रमेश, दीपक और जगदीश
تین مختلف ناموں اور حیثیتوں سے کئی لڑکیوں کو ایک ہی وقت میں دھوکہ دیتا رہا یور آنر اس مقدمے کے حالات اور ملزم کے ظالمانہ فعل اور شہادتوں اور ثبوت کو دیکھتے ہوئے ملزم صرف ایک ہی سزا کا مستحق ہے اور وہ ہے سزائے موت The court is adjourned. दुआएं देगा। अबे, कहीं तू मुझे नशे में समझकर राज तो मालूम नहीं करना चाहता है? यही तो बात कह रहा हूँ उस्ताद, राज कह देने से दिल हल्का हो जाता है। दिल हल्का हो जाता है? हाँ? अरे हाँ, दिल हल्का हो जाता है। दिल हल्का हो जाता है। ले फिर सुने रहा। बोलो सर। मैं बोलो। अरे वाह बेटे, तू तो बड़े गौर से सुन रहा है। ये ले अपना शाबाश। मैं ही सुना ले जा। अरे उस्ताद, मैं तो तुम्हारा पुराना चमचा और तुम ये समझते हो उस्ताद कि तुम्हारा राज मैं किसी दूसरे से कह दूंगा? मैं तो इसलिए सुनना चाहता हूँ कि बात बोझा है मेरे सर पे, थोड़ा हल्का हो जाएगा। लो सर, सिप लगा। अबे तू मेरा चमचा है? हाँ सर। अरे आ मेरे चमचे, मैं तुझे सब राज बताता हूँ। तू जानता है क्या हुआ? जब रमेश के आने की मुझे खबर मिली ना, तो मैंने क्या किया? मैं फौरन एक सेकंड में प्रोग्राम बनाया। कितने सेकंड में? एक सेकंड में। एक सेकंड, एक सेकंड में। क्या प्रोग्राम बनाया उस्ताद? बोलो। मैं अरे वाह, तुझको बता दूं चमचे? नहीं बताऊं, बिल्कुल नहीं बताऊं। क्यों बताऊं? अरे भाई मैं क्यों बताऊं? नहीं बताता। अरे तो मत बताओ गुरु, मत बताओ। कौन पूछता है? बैठ। मैं किसी से डरता हूँ क्या? मैं बताऊंगा तू बताऊ। मुझे जैसे ही रमेश के यहाँ आने की इत्तला मिली, वैसे मैंने फौरन पुलिस को खबर दी। उधर पुलिस का निकलना और इधर रमेश का पहुंचना। टाइमिंग क्या? टाइमिंग, टाइमिंग। इधर रमेश यहाँ आया और उसके आते ही बत्ती बत्ती बत्ती। क्या हुआ होता है बत्ती को? क्या हुआ बत्ती को? बत्ती को क्या होना था? बत्ती बुझ गई। बत्ती का बुझना था कि खैमत फाइटिंग, मारा मारी फाइटिंग। क्या फाइटिंग? फाइटिंग फाइटिंग फाइटिंग। और फाइटिंग के अंदर चौधरी का खून हुआ। चौधरी रमेश का चमचा बनना चाहता था, इसीलिए उसका खून हुआ। खून हो गया, खून खून हो गया। अबे खून की कोई बच्चा है जो हो जाएगा? खून होता नहीं बल्कि खून किया जाता है। खून किया जाता है और ये खून मैंने किया। किसने किया? ये खून मैंने किया। जगदीप ने चौधरी का खून किया। बस इसी तरह मैंने एक तीर से दो पंछियों का शिकार किया। उधर वो चमचा मर गया और अब वो चमचेबाज रमेश फांसी पे चढ़ा। अरे वाह उस्ताद, वाह आफरीन, वाह उस्ताद। अरे क्या सीन पाई है बल्ला? अरे ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं है। अभी एक और है, एक पंछी और है। वो कौन? वो कौन? वो मैं डर गया उस्ताद। अरे बता दो वो तू नहीं है, वो है। यहाँ तो चौथा पंछी है। Thank you.
बताओ कौन हो तुम? बताओ वरना बोलने की हसरत दिन में रह जाएगी। बोलो जल्दी बोलो, अब तुम्हारी जिंदगी के कुछ पल बाकी रह गए हैं, बोलो। अगर तुम रमेश हो तो वो कौन है जो अदालत के कटहरे में खड़ा हुआ है? और अगर वो रमेश है तो तुम कौन हो? यहाँ क्यों आए हो? यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारी शक्ल रमेश से इतनी मिलती जुलती क्यों है? शाबाश, ये बहुत बड़ा काम किया। अब ये मेरे हाथ आ गई है, अब मैं सारी बातें पलट दूंगा। तुम ये राज खोल दोगी कि ये कौन है? मुन्नी। ठहरो, पहले मैं इससे हिसाब किताब चुका लूं। मैं तेरा गला दबा दूंगा, तू तड़प तड़प कर मरेगी और तेरे तड़पने का तमाशा ये देख ना सकेगा और ये पता देगा कि ये कौन है। और फिर मेरा बदला पूरा हो जाएगा। किससे बदला ले रहे हो? तुझसे, रमेश से, शरीफ इंसानों के जलील समाज से। अपनी जिल्लत का बदला, अपने बाप के खून का बदला, अपनी माँ की गिरावट का बदला। वो भी तेरी तरह एक औरत थी जिसने मुझे मेरे बाप से जुदा कर दिया, और तू भी एक औरत ही, तूने मुझे मेरे दोस्त से जुदा कर दिया। तुम जैसे नफरत के मारे हुए अंधे जिनके जमीर मर चुके हैं, जिनकी इंसानियत दम तोड़ चुकी है, हमेशा यही करते हैं। एक आदमी के गुनाह का बदला सारे समाज से लेते हैं। बंद कर ये बकवास। ले देख, तेरी आंखों के सामने ही मैं इसका काम तमाम की देता हूं, क्योंकि ये दीवाना तो तुझे मरता हुआ नहीं देख सकता, लेकिन तू देख सकती है। देख। तुम मेरे डैडी को मत मारो, तुम मेरे डैडी के बगैर मुंह से मार लो। तुम सोच कर रहे हो, तुम चाकू छोड़ दो, छोड़ दो चाकू, छोड़ते क्यों नहीं? चाकू से मारना बहुत बुरी बात है, छोड़ दो चाकू। तुम खूनिया, तुम खून मत किया करो, नहीं तो तुम्हें फांसी हो जाएगी। मार डालो इस मासूम बच्चे। बचपन में तुम पर जुल्म हुआ, तुम मर्द थे, तुमने बदला लेना शुरू किया, इससे भी बदला ले लो। तुम्हारे बाप के खून का, तुम्हारी माँ की गिरावट का इस बच्ची से कोई संबंध नहीं, फिर भी मार डालो, मार डालो इसे। क्योंकि ये बच्ची अगर जिंदा रही तो जिंदगी भर नरक में जलती रहेगी, मरते मरते गुनाहों को जन्म देती रहेगी। मार डालो, मार डालो, मार डालो इसे। मेरे सामने से, मैं कहता हूं तुम लोग सब भाग जाओ, चले जाओ मेरे सामने से। ये खून मैं किया, जगदीप ने चौधरी का खून किया। योर ऑनर, ये आवाज तो किसी बात का भी सबूत नहीं है। अब जबकि अदालत अपना फैसला सुनाने वाली है, इस शहादत को कबूल नहीं किया जा सकता, और खास तौर पर ऐसी हालत में जबकि मुजरिम सामने मौजूद भी न हो। असली मुजरिम कौन है? यही तो मैं भी कह रहा हूं, असली मुजरिम कहां है? असली मुजरिम हाजिर है। मेरा नाम रमेश है जज साहब, ये खून मेरे हाथ से हुआ। मैं रूपोश था, लेकिन अपने बेगुनाह भाई पर इल्जाम रखते देखकर मुझसे रहा लग गया। वो भाई जो मुझे बरसों के बाद आज मिला है, मैं अपने आप को कोर्ट के हवाले करता हूँ। मिस्टर गंगासरन, आप इस मामले पर कुछ रोशनी डाल सकते हैं? मैं रोशनी डाल सकता हूँ योर ऑनर। मेरा नाम जगदीश है, हम तीनों भाई हैं। किसी हादसे की वजह से हमारे मां बाप बचपन ही में मर गए,
और हम तीनों बिछड़ गए। योर ऑनर, जब मैं सीआईडी इंस्पेक्टर बनकर बंबई आया तो मुझे पता चला मेरा एक भाई स्मगलिंग की टोली में शामिल है, और उस रात मैं उसको दलदल से निकालने के लिए वहां पर गया और खुद फंस गया। योर ऑनर, हमने एक दूसरे को मिलने की बहुत कोशिश की लेकिन मिल ना सके, और आज मिले भी तो इन हालात में। मैं जगदीप हूँ, मैं जगदीप हूँ। जसाब, आप मेरी आवाज सुन चुके हैं। दुनिया के इस आवाज खाने में आप रोज ही सैकड़ों लाखों आवाजें सुनते हैं, आवाजें जिनसे दुनिया आबाद है, आवाजें जिनसे दुनिया बर्बाद हो रही है। कुछ आवाजें ऐसी हैं जिन पर हम एतबार करते हैं, कुछ आवाजें ऐसी हैं जिन पर हम एतबार नहीं करते, लेकिन जसाब एक आवाज ऐसी भी है जिसको ना तो हम सुनना चाहते हैं और ना जिसका हम एतबार करना चाहते हैं, और आवाज है वो आवाज है जमीर की। जसाब, जमीर की आज मैंने आवाज सुन ली है। जसाब, जब मैंने 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 इस मासूम फरिश्ते को बिलखते हुए देखा ना, इस फरिश्ते को, कभी इसी की तरह मैं भी मासूम था बरसों पहले, लेकिन इस जमाने ने, इस संगदिल जमाने ने मेरी आवाज को, मेरी मासूमियत को कुचल डाला, मुझे मार डाला, एक बच्चे का खून कर दिया, और उसकी लाश से पैदा हुआ एक मुजरिम, एक ऐसा मुजरिम जो आप लोगों के लिए काबिल नफरत बन गया, जिसने प्यार से, मोहब्बत से, इंसानियत से सबसे नफरत की। हद यह है कि उसने अपनी ममता से भी नफरत की, उसने अपनी बाप की खुदकुशी का बदला सारी दुनिया से लेना चाहा। आप जानते हैं, जब आज मैंने इस मासूम बच्ची को बिलखते हुए देखा ना, तो मेरे दिल के अंदर का वो मासूम बच्चा भी दोबारा जिंदा हो गया। वो बच्चा जो अपने बाप की मुर्दा जिस्म से लिपटा हुआ चिपटा हुआ कह रहा था, बापू मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ कर चले गए, बापू मैं इस दुनिया में क्या करूंगा बापू। वो बच्चा अपने नन्हे नन्हे हाथ लेकर दुनिया वालों की तरफ बढ़ा, उनसे प्यार और मोहब्बत की भीख मांगी उसने, लेकिन दुनिया वालों ने उसे क्या दिया? जैसा साहब, नफरत से भरी हुई आंखें, जिल्लत से भरी ठोकरें, जिन्होंने उसको एक ऐसे अंधेरे गार में धकेल दिया जहां आज भी हजारों लाखों इंसान कीड़ों की तरह बिलबिला रहे हैं। जैसा आप जानते हैं, वो मासूम बच्चा कौन था? वो था मेरा समीर, जो आज तक नहीं मरा और कभी नहीं मरेगा। जैसा वही समीर तो मुझे आज यहाँ खींच कर ले आया है। ये खून मैंने किया है, मैंने किया है। जुर्म कभी नहीं फलता, कभी नहीं फलता, और जुर्म की सजा मिलकर रहती है, जो मुझे भी मिल गई। मैंने जहर पी लिया है, जहर अपना काम कर चुका है, जहर को जहर ही मारता है ना। मैं मर रहा हूं, लेकिन मैं खुश हूं कि मैं एक इंसान की जिंदगी बचाकर मर रहा हूं। मैं मर रहा हूं, लेकिन मैं खुश हूं कि अपने अजीज दोस्त को बचा कर मर रहा हूं। मैं खुश हूं कि मैं मर रहा हूं, लेकिन अपने जमीर को जगा कर मर रहा हूं। मैं खुश हूं। जमीर कभी नहीं मर सकता, जमीर कभी नहीं मरेगा, इंसान कभी नहीं मरेगा। इंसानियत हमेशा जिंदा रहेगी, इंसानियत हमेशा हमेशा रमेश।